झारखंड वस्तुनिष्ठ सेरी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सब के लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम्स की तरफ से। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चन डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। और इससे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, बी सोन, सी अमानत, डी बराकर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ए सोन, बी दामोदर, सी शंख, डी स्वर्ण रेखा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी गंगा, डी अमानत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ए बराकर, बी शंख, सी दामोदर, डी अमानत। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, सोन नदी कहां से निकलती है? ए रांची का पठार, बी हजारीबाग का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार, डी अमरकंटक पहाड़ी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 400 मीटर, बी 500 मीटर, सी 600 मीटर, डी 700 मीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? ए स्वर्ण रेखा, बी दामोदर, सी बराकर, डी अजय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे? ए शीलरबारी, बी क्रांति भवन, सी हिम्मत भवन, डी आजाद भवन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? ए 4 प्रकार के, बी 6 प्रकार के, सी 8 प्रकार के, डी सभी प्रकार के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए सन 1781-82, बी सन 1784-85, सी सन 1788-89, डी सन 1791-92। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, किसने सुतियाबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? ए कुणाल राय, बी गोपाल राय, सी भागवत राय, डी प्रताप राय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, ईदी मी, ईदी ताई मा विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? ए असुर, बी गोंड, सी बैगा, डी बिरहोर।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परावर्तित कर दिया था? ए चेरो विद्रोह, बी पहाड़िया विद्रोह, सी भूमिज विद्रोह, डी सफाहोड़ विद्रोह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी सोन, डी शंख। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? ऑप्शन ए 20.78, बी 22.68, सी 23.69, डी 24.78। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए स्वर्णरेखा एवं खरकई, बी दामोदर एवं भेड़ा, सी शंख एवं अमानत, डी बराकर एवं खरकई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, मरांग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम था? ए जयपाल सिंह, बी बिरसा मुंडा, सी शिबू सोरेन, डी रामदयाल मुंडा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए जतरा उरांव, बी कार्तिक उरांव, सी कुणाल उरांव, डी बिरसा उरांव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, चिर्रा लावा केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए बराकर, बी शंख, सी गुमानी, डी अजय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, हिरणी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए गुमला, बी कोडरमा, सी पूर्वी सिंहभूम, डी पश्चिमी सिंहभूम। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए देवघर, बी पलामू, सी रांची, डी चतरा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, बी 27, सी 31, डी 40। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? ए मोतिहारी, बी मयूर, सी जमुनिया, डी तिलावे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? ए भूमिज, बी बैगा, सी गोंड, डी महली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ आज समाप्त होता है ये सीरीज, और आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हर सेट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।